नमस्कार, मेरे इंदौर के दोस्तों साथियों, मितेश बोहरा फ्रॉम इन्फोबीन्स कैलिफोर्निया। एक छोटी सी बात आज मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम लोग मीडिया में हेडलाइंस देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस की, लेकिन उससे हमें क्या पता चल रहा है? बार बार हम कह रहे हैं फ्लैटन द कर्व। कौन सी कर्व को फ्लैटन करना चाह रहे हैं, क्या फ्लैटन करना चाह रहे हैं? तो हमारे भाई समीर शर्मा के सहयोग से और हमारी टीम ने एक कर्व मैप बनाया है ये बताने के लिए कि हम क्या फ्लैटन करना चाह रहे हैं। तो हर दिन के लिए जो हमारी हॉस्पिटल सिस्टम, जो हमारी आईसीयू सिस्टम जितने भी टोटल केसेस को हैंडल करती है किसी एक दिन में, उनको टोटल एक्टिव केसेस कहा जाता है। और हमने दर्शाने की कोशिश की है इस लाल चार्ट से, इस लाल कर्व से। हम ये चाह रहे हैं कि ये टोटल एक्टिव केसेस किसी भी दिन कम रहें और आने वाले दिनों में ये कम होते जाए। ये वाली जो लाल कर्व है, ये जो संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ये वाली लाल कर्व को हम फ्लैट करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ऑरेंज वाली कर्व, जो कि नए केसेस को दर्शाती है, हर दिन नए केसेस जिससे आते हैं, हम उसको फ्लैट करना चाह रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो ग्रे कर्व है, हम उसको फ्लैट करना चाह रहे हैं। और हम बढ़ाना चाह रहे हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस ग्रीन कर्व को, जो कि रिकवरी वाले केसेस है। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो। और ये सब चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा? दो सिंपल सी बातें हैं, कंटेनमेंट और मिटिगेशन। कंटेनमेंट यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, गवर्नमेंट करती है लॉकडाउन, कर्फ्यू, हम अपने घरों में रहते हैं, क्वारंटीन होते हैं, आइसोलेट होते हैं। सेकंड है मिटिगेशन, जो हमारी हॉस्पिटल प्रणाली है, हमारी व्यवस्थाएं हैं, जितना जल्दी से जल्दी हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो यही एक सिंपल सी बात आपसे कहने की कोशिश की गई है। थैंक यू वेरी मच इंदौर वासियों, स्टे होम प्लीज। थैंक यू।